हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट। हम लोग आज डिस्कस करेंगे कन्वोलेशन थ्योरम के बारे में। एंड अगर इस टाइप का कंटेंट को जरूर देखें और देखने के बाद यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, अपने दोस्तों में अधिक शेयर जरूर कीजिए। देखते स्टूडेंट, स्टूडेंट कन्वोलेशन थ्योरम का हम लोग क्या करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट फाइंड आउट करेंगे एंड देन इसका एप्लीकेशन इसका एक्चुअल में ये होता है स्टूडेंट, यदि टू फंक्शन जो है आपस में प्रोडक्ट के फॉर्म में है और उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है तो आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, सीधा सीधा ये कन्वोलेशन थ्योरम यूज करो और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करो। देखते हैं स्टूडेंट, तो यहां से क्या हो जाएगा हम लोग के पास, वी हैव टू, हमारे पास है स्टूडेंट वी हैव टू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है हम लोग के पास, लाप्लास ऑफ द एफ टी इक्वल टू, ये मिलता है स्टूडेंट हम लोग के पास एफ एस। यदि इनवर्स निकालना है तो ये मिल जाएगा स्टूडेंट एफ टी इक्वल टू इनवर्स लाप्लास ऑफ द एफ एस, और ये हो जाता है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जी टी इक्वल टू इनवर्स लाप्लास ऑफ द जी एस, और ये हो जाता है इक्वेशन नंबर टू। यदि स्टूडेंट इसको हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे तब क्या होता है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास प्रोडक्ट के फॉर्म में, नाउ इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ टी एंड देन क्या हो जाएगा हम लोग के पास जी टी इक्वल टू जीरो टू टू, और यहां से एफ यू लिखते हैं स्टूडेंट, टी के स्थान पर यू लिखते हैं और इस टी के स्थान पर हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट टी माइनस यू और डी यू। ये फार्मूला का यूज करेंगे स्टूडेंट एंड देन हम लोग क्या करेंगे उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे यूज बाय द कन्वोलेशन थ्योरम। ये क्या कहलाता है स्टूडेंट हम लोग के पास, कन्वोलेशन थ्योरम कहलाता है। अब यहां से हम लोग क्वेश्चन से देखेंगे, तो क्वेश्चन में यह है स्टूडेंट हम लोग के पास इनवर्स लाप्लास ऑफ द वन अपॉन एस प्लस ए एंड देन एस प्लस बी, ये इसका क्या करना है हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। अब देखते हैं स्टूडेंट, ये टू फंक्शन है तो टू फंक्शन में क्या होगा, एफ टी इक्वल टू ये आ जाएगा, जी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट ये मिल जाएगा। तो देखते हैं यहां से हो जाएगा स्टूडेंट, सबसे पहले एफ टी इक्वल टू क्या हो जाता है इनवर्स लाप्लास ऑफ द एफ एस, राइट, ये फंक्शन मिलता है स्टूडेंट हमारे पास। यहां से एफ टी इक्वल टू क्या कर सकते हैं इनवर्स लाप्लास ऑफ, इसके स्थान पर इसको पुट अप करेंगे तो वन अपॉन क्या हो जाएगा एस प्लस ए, राइट। अब इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, पिछला वीडियो जाकर के जरूर देखें। तो सीधा सीधा मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट, यहां से लिख सकता हूं ये हो जाएगा एफ टी इक्वल टू हो जाता है ई रेस टू द पावर, यहां पर माइनस रहेगा तो यहां पर प्लस रहेगा, जैसे देखो ई रेस टू द पावर ए टी रहता है, इसका लाप्लास क्या होता है स्टूडेंट हम लोग के पास वन अपॉन क्या हो जाता है एस माइनस ए होता है। यदि यहां पर ए है तो माइनस ए, यदि मान लीजिए यहां पर माइनस ए रहेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा प्लस ए हो जाएगा। तब की स्थिति में जस्ट इसका क्या कर देंगे रिवर्स लेंगे तो ई रेस टू द पावर माइनस अप हो जाएगा स्टूडेंट ए टी हो जाएगा, राइट। सेम हम लोग देखते हैं यहां से सेम फॉर्म में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाता है जी टी इक्वल टू इनवर्स लाप्लास ऑफ द जी एस हो जाता है, राइट। और जी एस के स्थान पर हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, इसको पुट करेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूं और यहां लिखता हूं स्टूडेंट ये आ जाता है हम लोग के पास एम्प्लाइज दैट, ये हो जाएगा जी टी इक्वल टू हो जाएगा इनवर्स लाप्लास, राइट। एंड इसके स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट वन अपॉन एस प्लस बी लिखेंगे, राइट। अब इसका इनवर्स लाप्लास निकालेंगे तो अगेन जी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट ई रेस टू द पावर माइनस बी टी हो जाएगा, ठीक है, ये इसका इनवर्स लाप्लास। अब स्टूडेंट यूज करेंगे कन्वोलेशन थ्योरम, यूज बाय द कन्वोलेशन थ्योरम, राइट, यूज टू कन्वोलेशन थ्योरम, कन्वोलेशन थ्योरम, इस थ्योरम को क्या करेंगे यूज करेंगे। तो कन्वोलेशन थ्योरम क्या होता है स्टूडेंट हम लोग के पास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ टी एंड देन हो जाता है हम लोग के पास जी टी इक्वल टू जीरो टू टी, यहां होता है स्टूडेंट हम लोग के पास एफ यू और जी टी माइनस यू, और यह हो जाता है डी यू, इस थ्योरम का यूज करेंगे स्टूडेंट, राइट। तो इस थ्योरम का यूज करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, यहां से मिलेगा इनवर्स लाप्लास ऑफ, यहां लिख सकते हैं वन अपॉन एस प्लस ए एंड देन एस प्लस बी, राइट, ये इक्वल टू जीरो टू टी, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहां आया है देखो आप लोग एफ यू के स्थान पर हमें मिलेगा, मतलब एफ टी के स्थान पर क्या मिला है, एफ टी के स्थान पर यह मिला है लेकिन टी के स्थान पर क्या करेंगे हम लोग यू फुट करेंगे, राइट, टी के स्थान पर यू फुट करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग के पास ए रेस टू द पावर माइनस ए यू हो जाएगा, राइट, टी के स्थान पर यू फुट कर देंगे। अगेन हम लोग जी और जी के स्थान पर क्या फुट करेंगे ये, और उसके स्थान पर जहां टी है स्टूडेंट वहां पर टी माइनस यू लिखेंगे, तो ई रेस टू द पावर माइनस ऑफ बी एंड देन t
डी माइनस यू और ये हो जाता है डी यू। बाकी कुछ नहीं करना है, बस इसको सॉल्यूशन करना है। स्टूडेंट यहां पर क्या हो जाएगा, इनवर्स लाप्लास ऑफ वन अपॉन एस प्लस ए एंड देन एस प्लस बी, राइट, इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट, इसको देखो सिंप्लीफाई कर दो, जीरो टू टी ई रेस्ट टू द पावर माइनस ए यू इनटू क्या हो जाएगा ई रेस्ट टू द पावर माइनस बी टी और ई रेस्ट टू द पावर क्या हो जाएगा स्टूडेंट बी यू हो जाएगा, राइट, बी यू एंड देन डी यू। स्टूडेंट हम यहां पर लिखेंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वन अपॉन एस प्लस ए एंड देन एस प्लस बी, ये हो जाएगा इक्वल टू, इसको देखो सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट, तो ये कॉमन है bt है तो इसको बाहर निकाल देते हैं, e रेस्ट टू द पावर हो जाएगा हम लोग के पास bt और बचा स्टूडेंट हम लोग के पास यहां से इंटीग्रेशन ऑफ द 0 टू t, इसको सॉल्यूशन करते हैं e रेस्ट टू द पावर माइनस au एंड देन e रेस्ट टू द पावर यहां से मिल गया स्टूडेंट हम लोग के पास bu और एंड देन du। स्टूडेंट हम ये देखते हैं इसको सॉल्यूशन कर देते हैं तो ये हो जाता है इनवर्स लाप्लास ऑफ द 1 अपॉन s plus a एंड देन एस प्लस बी, राइट, इक्वल टू क्या हो जाएगा ई रेस्ट टू द पावर माइनस ऑफ बी टी हो जाएगा और इसको हम लोग लिख सकते हैं जीरो टू टी और इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट यहां से ई रेस्ट टू द पावर, इसको पहले लिख देते हैं इसको बाद में लिखते हैं, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं बी माइनस ए और ये यू एंड देन डी होगा। अब इसका क्या कर देते हैं हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट उसको देखते हैं, तो हम लोग लिखते हैं यहां लिख देते हैं स्टूडेंट, तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वन अपॉन में मिल जाएगा स्टूडेंट एस प्लस ए एंड देन एस प्लस बी, राइट, ये अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे स्टूडेंट ई रेस्ट टू द पावर माइनस ऑफ बी टी और ये हो जाएगा जीरो टू टी और ये देखो स्टूडेंट ई रेस्ट टू द पावर बी माइनस ए एंड देन यू अपॉन में हो जाएगा स्टूडेंट बी माइनस ए, ये स्टेप का इंटीग्रेशन हो जाएगा स्टूडेंट। लिमिट ओपन करेंगे तो जैसे लिमिट ओपन करेंगे तो क्या मिल जाएगा देखो यहां पर स्टूडेंट यहां लिख सकते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन अपॉन एस प्लस ए एंड देन एस प्लस बी, राइट, इक्वल टू क्या हो जाएगा इक्वल टू स्टूडेंट देखो यहां से बी ई रेस्ट टू द पावर माइनस ऑफ बी टी, ये तो सेम रहेगा स्टूडेंट, ऊपर में जहां पर यू है वहां पर क्या लिखेंगे हम लोग टी लिखेंगे, यू के स्थान पर टी और यू के स्थान पर जीरो, तो स्टूडेंट मैं सीधा सीधा ये करता हूं इसको बाहर कर देता हूं किसको बी माइनस ए को, और जैसे बी माइनस ए को मैं बाहर कर दिया तब के स्थान पर क्या हो जाएगा इसके स्थान पर टी आ जाएगा e रेस्ट टू द पावर हो जाएगा स्टूडेंट b माइनस ए और ये मिल जाएगा t, राइट, और माइनस अप करके स्टूडेंट हम लोग का हो जाएगा e रेस्ट टू द पावर यहां से b माइनस ए इनटू क्या हो जाएगा जीरो और ये क्लोज्ड हो जाएगा स्टूडेंट ये स्टेप का, ठीक है, यहां पर जीरो एंड देन ये हो गया स्टूडेंट। हम देखते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वन अपॉन एस प्लस ए एंड देन एस प्लस बी, राइट, इक्वल टू क्या मिल जाएगा e रेस्ट टू द पावर बी टी अपॉन में है b माइनस ए, स्टूडेंट इसको सॉल्यूशन करें तो क्या मिल जाएगा e रेस्ट टू द पावर b माइनस ऑफ a इनटू t, सेम रहेगा स्टूडेंट माइनस ऑफ हो जाएगा यहां से e रेस्ट टू द पावर जीरो हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट वन होगा, तो यहां सिंपलीफाई करने पर क्या मिलेगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वन अपॉन एस प्लस ए एंड देन हो जाएगा एस प्लस बी मिल जाएगा इक्वल टू, देखो स्टूडेंट ये तो हम लोग के पास वन हो जाएगा, अब यहां से e रेस्ट टू द पावर माइनस ऑफ bt हो जाएगा अपॉन में b माइनस a और यहां से देखें तो हम लोग स्टूडेंट e रेस्ट टू द पावर ये bt हो जाएगा अगेन e रेस्ट टू द पावर माइनस ऑफ at हो जाएगा, इसको ब्रेक कर देते हैं माइनस ऑफ क्या हो जाएगा वन हो जाएगा स्टूडेंट, यहां से इनवर्स लाप्लास ऑफ द वन अपॉन एस प्लस ए एंड देन क्या हो जाएगा एस प्लस बी हो जाएगा इक्वल टू, देखो स्टूडेंट ये अंदर चला जाएगा, जैसे ही अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास इसको बाहर ही रखते हैं वन अपॉन बी माइनस ए और इसको देखो राइट बी माइनस ए है स्टूडेंट ये हम लोग के पास और इसको देखो तो यहां से क्या हो जाएगा बी रेस्ट टू द पावर ई रेस्ट टू द पावर माइनस बी टी एंड ई रेस्ट टू द पावर क्या हो जाएगा बी टी हो जाएगा और यहां से ई रेस्ट टू द पावर माइनस ऑफ ए टी हो जाएगा माइनस ऑफ ये अंदर चला जाएगा ई रेस्ट टू द पावर हो जाएगा स्टूडेंट बी टी, ये इतना होगा ठीक है, सिम क्या करना है मल्टीप्लाई करना है अंदर से, तो ये क्या हो जाएगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वन अपॉन एस प्लस ए एंड देन हो जाएगा एस प्लस बी हो जाएगा इक्वल टू, देखो स्टूडेंट वन अपॉन बी माइनस ए, अब स्टूडेंट ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा ई रेस्ट टू द पावर माइनस ऑफ ए टी माइनस ऑफ ई रेस्ट टू द पावर बी टी ये मिलेगा, इसको और लिखेंगे तो अपॉन में लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वन अपॉन एस प्लस ए एंड देन मिल जाएगा एस प्लस बी इक्वल टू मिल जाएगा स्टूडेंट ई रेस्ट टू द पावर माइनस ऑफ ए टी माइनस ऑफ ई रेस्ट टू द पावर बी टी अपॉन में हो जाएगा बी माइनस ए, यही क्या कहलाएगा स्टूडेंट इसका आंसर से कहलाएगा।
स्टूडेंट आपको समझना यह है, एक ही स्थान पर कोई एलिमेंट आएगा तो जहां जहां पर ए है वहां पर उस एलिमेंट को पुट कर दे। जैसे कि आप लोग समझ सकते हो, यदि ए इक्वल टू टू है मान लीजिए, राइट, इसके स्थान पर टू है, और बी इक्वल टू यदि मान लीजिए थ्री है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट हम लोग का जो जीटी और एफटी जो बनेगा, देखो यहां पर एफटी बनेगा तो ये क्या बन जाएगा हम लोग के पास टू टी बन जाएगा, माइनस टू टी बनेगा, और ये क्या बन जाएगा बी के स्थान पर थ्री है तो जीटी इक्वल टू हो जाएगा माइनस थ्री टी हो जाएगा। बाकी प्रोसेसिंग क्या रहेगा हम लोग के पास सेम रहेगा। इसी प्रोसेस से क्या कर सकते हैं आप लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन क्वेश्चन से देखते हैं स्टूडेंट क्या होता है, इसको मैं इरेज कर देता हूं इस कॉन्सेप्ट को, तो सीधा सीधा क्या करेंगे हम लोग स्टूडेंट अप्लाई करेंगे बाय द फार्मूला। ये देखते हैं स्टूडेंट अगला क्वेश्चन से देखते हैं, क्वेश्चन है स्टूडेंट इनवर्स लाप्लास वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, राइट, इसका इनवर्स लाप्लास क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं स्टूडेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट, तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में ये वाला जो पार्ट होगा स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट है, ये वाला होगा सेकेंड पार्ट है। तो स्टूडेंट हम लोग यहां से लिख सकते हैं Ft इक्वल टू क्या हो जाएगा L का इनवर्स, मतलब इनवर्स लाप्लास ऑफ 1 अपॉन s का स्क्वायर, ये हो गया। और इसका इनवर्स लाप्लास निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट Ft इक्वल टू इनवर्स लाप्लास ऑफ 1 अपॉन, इसको लिख सकते हैं s रेस्ट टू द पावर 1 प्लस 1, राइट। अब इसका इनवर्स लाप्लास जैसे ही फाइंड आउट करोगे स्टूडेंट तो Ft इक्वल टू हो जाता है, आप लोग जाकर के पिछला वीडियो जरूर देखें। तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट t रेस्ट टू द पावर 1 अपॉन में 1 का फैक्टोरियल, तो यहां सीधा सीधा Ft इक्वल टू मिल जाएगा स्टूडेंट t, राइट। सेम हम लोग क्या करते हैं Gt इक्वल टू निकालते हैं, सेम क्या करेंगे स्टूडेंट Gt, और Gt इक्वल टू हमें मिल जाएगा दिस पार्ट, तो यहां से मिल जाएगा स्टूडेंट इनवर्स लाप्लास ऑफ द 1 अपॉन s स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर, ये हो जाता है हम लोग के पास Gt। और Gt का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट तो Gt इक्वल टू हो जाएगा हम लोग के पास, इसको सीधा सीधा मैं लिख रहा हूं, आप लोग फार्मूला लिख देखो एक मिनट आप लोग देखोगे तो लाप्लास ऑफ द साइन at, राइट, hat लिखता है, राइट, क्या हो जाएगा हम लोग के पास hat, इसका जो इनवर्स लाप्लास होता है तो a अपॉन में क्या हो जाता है स्टूडेंट s स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर, बट यहां पर a नहीं है, यहां पर a नहीं है, ऊपर नीचे क्या कर देते हैं हम लोग a a का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर उसके बाद क्या कर देंगे हम लोग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे। तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये नीचे आ जाएगा स्टूडेंट, क्या होगा ये अगेन ये आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा, तो हम लोग के पास मेरा करने का मतलब साइन hat अपॉन में a इक्वल टू इनवर्स लाप्लास ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर, ये लिख देंगे। इतने के स्थान पर हम लोग क्या कर देते हैं इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा देखो सीधा सीधा मिलेगा स्टूडेंट हम लोग के पास 1 अपॉन a इनटू मिल जाएगा साइन hat, क्या मिल जाएगा साइन hat, ये मिल जाता है स्टूडेंट, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग सीधा सीधा फार्मूला में यूज करेंगे, यूज टू कन्वोल्यूशन मेथड, कन्वोल्यूशन मेथड को यूज करेंगे स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट इनवर्स लाप्लास ये हो जाता है एफ टी एंड देन जी टी इक्वल टू हो जाएगा जीरो टू टी एंड देन एफ यू, और यहां से होता है जी टी माइनस यू, और ये हो जाता है डी यू, यूज करते हैं स्टूडेंट। तो इनवर्स लाप्लास आप यहां पर वैल्यू फाइंड वैल्यू पुट करेंगे तो इसको पुट कर देंगे तो वन अपॉन क्या हो जाएगा एस स्क्वायर, और एस स्क्वायर माइनस अब क्या हो जाता है ए का स्क्वायर इक्वल टू जीरो टू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट हम लोग को टी मिल जाएगा, और जीरो टू टी मिलेगा तो यहां पर क्या लिखना है स्टूडेंट देखो एफ यू, एफ यू मतलब सीधा सीधा मैं लिखना चाहूं तो ये टी मतलब मैं लिख दूंगा यू, उसके बाद क्या हो जाएगा जी टी, तो जी टी के स्थान पर क्या है स्टूडेंट टी माइनस यू, और जी टी क्या आया है ये आया है, ठीक है टी माइनस यू, तो मैं लिख सकता हूं वन अपॉन ए एंड देन क्या हो जाएगा हम लोग के पास साइन एच ए, और टी के स्थान पर स्टूडेंट ए टी के स्थान पर लिखूंगा मैं, ये हो जाएगा टी माइनस यू एंड देन डी यू। अब इसको क्या कर दूंगा मैं सीधा सीधा सिंप्लीफाई करूंगा, तो देखो स्टूडेंट ये तो कॉमन निकल जाएगा तो इसको क्या कर देता हूं एल इनवर्स
अब द वन अपान में एस स्क्वायर एंड देन एस स्क्वायर माइनस अब ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा राइट माइनस अब ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो गया इक्वल टू देखो इसको मैं क्या कर सकता हूं वन अपान ए कॉमन निकाल दो जीरो टू टी लिख दो यू एंड देन साइन हो जाएगा एच ए और यहां से हो जाएगा स्टूडेंट टी माइनस अप यू एंड देन डी यू राइट अब इसको क्या कर दूंगा स्टूडेंट मैं इंटीग्रेशन करूंगा फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन के फॉर्म में तो देखते हैं स्टूडेंट फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन के फॉर्म में तो एल इनवर्स वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस अप ए का स्क्वायर इक्वल टू राइट वन अपॉन क्या दिया स्टूडेंट कॉमन है बाहर में ए अब देखो स्टूडेंट इसको मैं क्या लिख सकता हूं ये देखो फर्स्ट फंक्शन इसको मैं ले लेता हूं सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट मेरा cos h a राइट और t माइनस यू मिलेगा अपान में माइनस ए ठीक है स्टूडेंट एंड देन क्या हो जाएगा हम लोग के पास माइनस अप हो जाएगा स्टूडेंट इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन राइट एंड देन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और अगेन उसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट इंटीग्रेशन होगा तो मैं यहां पर कर्ली ब्रैकेट बना देता हूं डी यू एंड देन क्या हो जाता है स्टूडेंट हम लोग के पास ये हो जाता है साइन एच ए और यहां से हो जाएगा स्टूडेंट टी माइनस ए टी माइनस यू है और ये हो जाएगा हम लोग के पास डी यू और अगेन क्या हो जाता है स्टूडेंट डी यू और ये बड़ा ब्रैकेट क्या हो जाता है क्लोज हो जाता है राइट ये इस टाइप का फॉर्म में आ जाएगा स्टूडेंट मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूं कि इसका कॉस एच ए और टी माइनस यू का इंटीग्रेशन यदि निकालोगे मतलब इसका टी मान करके इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा स्टूडेंट आप लोग लिख सकते हैं देखो इसका मैं इंटीग्रेशन करना चाहूं देखो एक मिनट के लिए यहां पर आई इक्वल टू मैं ये कंसिडर कर देता हूं कॉस एच ए और टी माइनस यू डी यू ये पॉसिबल नहीं है तो लेट मैं ये कर देता हूं स्टूडेंट टी माइनस यू इक्वल टू मैं ले लेता हूं एक्स टी माइनस यू इक्वल टू एक्स ले लेता हूं इसको टी के रेस्पेक्ट में क्या कर देता हूं यू के रेस्पेक्ट में राइट यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं तो ये तो मेरा जीरो हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा वन हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी यू हो जाएगा ठीक है स्टूडेंट अब देखो यहां से इसको मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो माइनस ऑफ हो जाएगा स्टूडेंट डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन में डी यू इंटू क्या हो जाएगा हम लोग के पास डी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा डी एक्स डी यू इक्वल टू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट डी एक्स और जैसे इसको माइनस को मैं इधर ट्रांसफर करूं तो डी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डी एक्स हो जाएगा तो ये माइनस आ गया क्या हो जाएगा माइनस आ गया तो इस पार्ट के बारे में देखेंगे तो डी यू तो इसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा तो ए क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास नीचे आ जाएगा इस कॉन्सेप्ट के बारे में राइट तो इसको मैं क्या कर देता हूं इरेज कर देता हूं ये हो गया अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट तो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है हम लोग को पहले इसको इरेज कर देते हैं एंड देन सिंप्लीफाई करेंगे ये हो गया अब यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट इनवर्स लाप्लास ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन ए देखो स्टूडेंट इसके लिए और यहां पर लिमिटेशन क्या लगा था हम लोग के पास जीरो टू टी क्या हो जाएगा जीरो टू टी ऑलरेडी लिमिटेशन क्या है जीरो टू टी हो जाएगा ये हो गया स्टूडेंट अब देखो आप यहां पर ये फर्स्ट फंक्शन ये तो सेम रहेगा हम लोग के पास कोई दिक्कत नहीं पहले उसको सॉल्यूशन कर देते हैं ए टी माइनस ए अपान में क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस ए माइनस हो जाएगा ये यहां पर देखते हैं स्टूडेंट तो ये वन हो जाएगा एंड देन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट कॉस एच ए और टी माइनस यू अपान में क्या हो जाएगा माइनस ए अगेन डी यू हो जाएगा और जीरो टू क्या हो जाएगा टी हो जाएगा स्टूडेंट इसको सॉल्यूशन करें इनवर्स लाप्लास ऑफ वन अपान एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा वन अपान ए इसके बारे में देखते हैं स्टूडेंट तो पहले इसको सॉल्यूशन कर देते हैं तो कॉस एच ए और टी माइनस यू हो जाएगा अपान में माइनस अप ए हो जाएगा स्टूडेंट ये माइनस के चक्कर में ये प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन बन जाएगा हम लोग के पास कॉस एच ए और टी माइनस यू और ये हो जाएगा डी यू ठीक है स्टूडेंट और यहां से हम लोग लिख सकते हैं प्लस ए ये हो गया और जीरो टू टी इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट इनवर्स लाप्लास ऑफ द वन अपॉन एस स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस अब ए का स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन ए देखो ये तो हम लोग का सेम रहेगा यू कॉस एच ए और टी माइनस यू रहेगा स्टूडेंट अपॉन में माइनस अब ए रहेगा राइट और ये प्लस हो जाएगा अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वन अपॉन ए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट हमें साइन एच ए एंड देन टी माइनस यू अपॉन में अगेन माइनस ए राइट
और जीरो टू क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, सेम प्रोसेस। अब स्टूडेंट यहां से क्या हो जाएगा, इनवर्स लाप्लास ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन ए। लिमिट ओपन करेंगे स्टूडेंट तो देखो ए तो है तो ए तो कॉमन निकाल सकते हैं, बट यहां पर क्या हो जाएगा अगेन माइनस होकर के ए का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, पहले यू स्क्वायर कॉस एच ए और टी माइनस यू है स्टूडेंट राइट, अपॉन में क्या मिल जाएगा मुझे माइनस ए मिला है और अगेन ये क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन ए का स्क्वायर, ए का क्या हो जाएगा स्टूडेंट अगेन स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद मैं लिख सकता हूं साइन एच ए और टी माइनस यू राइट, ये हो गया और जीरो टू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट टी। अब लिमिट ओपन करते हैं ठीक है, तो अब लिमिट ओपन करते हैं क्या हो जाएगा एल इनवर्स वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट, पहले इसमें रख देते हैं और इसको अंदर ले जाते हैं, पहले इसके लिए अपर लिमिट देन उसके बाद लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में रखेंगे स्टूडेंट तो क्या होगा और अपर लिमिट में तो क्या होगा, तो देखते हैं इसको बाहर ही रहने देते हैं राइट। तो यहां से हो जाएगा वन अपॉन ए ठीक है स्टूडेंट। अब पहले देखो ये यू का लिमिट है तो यहां पर क्या मिल जाएगा मुझे टी मिलेगा एंड देन कॉस एच ए और टी के स्थान पर क्या कर दूंगा स्टूडेंट माइनस टी रख दूंगा यू के स्थान पर, अपॉन में क्या हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा और माइनस अप हो जाएगा वन अपॉन ए का स्क्वायर और टी के स्थान पर क्या कर दूंगा मैं अगेन सेम रखूंगा स्टूडेंट एच ए और टी माइनस क्या हो जाएगा टी राइट, और यहां से हो जाएगा अगेन माइनस होगा स्टूडेंट माइनस होगा तो हम लोग के पास कॉस जीरो का यहां पर मैं रख देता हूं, यहां पर क्या रखूंगा जीरो रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा कॉस एटी हो जाएगा, ये यहां पर जीरो आ जाएगा ठीक है स्टूडेंट, ये यहां पर क्या होगा जीरो तो कॉस क्या हो जाएगा एटी हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा ठीक है, ये फंक्शन क्या हो जाएगा मेरा पूरा जीरो हो जाएगा। अब देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा या यू इक्वल टू जीरो रखूंगा ना मैं माइनस करके ये जीरो रखूंगा, फंक्शन पूरा जीरो हो गया और स्टूडेंट यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरा प्लस हो जाएगा। अब इसके स्थान पर जीरो रखूंगा यू के स्थान पर राइट जीरो रखूंगा तो क्या हो जाएगा साइन ए टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन एच ए टी मतलब हो जाएगा वन अपॉन ए स्क्वायर साइन एच ए टी, ये हो जाएगा ठीक है स्टूडेंट, ये स्टेप का बन जाएगा ठीक है, आप लोग करके देख सकते हैं। तो ये मिल जाएगा एल इनवर्स वन अपॉन एस स्क्वायर और एस स्क्वायर माइनस ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो स्टूडेंट ये फंक्शन बचा है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां पर क्या मिल जाएगा जीरो, तो मतलब कॉस जीरो का वैल्यू क्या मिल जाएगा वन मिलेगा, मतलब वन अपॉन क्या हो जाएगा ए, तो यहां से क्या मिल जाएगा टी माइनस टी अपॉन में ए हो जाएगा ठीक है। आप देख सकते हैं वन अपॉन क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा स्टूडेंट क्या हो जाएगा टी टी कैंसिल होकर के जीरो और साइन जीरो का वैल्यू अगेन जीरो, तो ये हो जाएगा मेरा जीरो हो जाएगा राइट। अब ये तो अगेन जीरो है और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्लस ऑफ वन अपॉन ए का स्क्वायर एंड देन हो जाएगा हम लोग के पास साइन एच ए टी राइट, ये हो गया स्टूडेंट। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं अगेन इनवर्स लाप्लास ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर और एस स्क्वायर माइनस ऑफ ए का स्क्वायर और इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको ओपन कर देते तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो सबसे पहले मैं वन अपॉन ए लिख देता हूं एंड देन क्या हो जाएगा माइनस टी अपॉन में ए हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा कोई मतलब का नहीं, ये हो गया। अब ये बच जाता है हम लोग के पास वन अपॉन ए स्क्वायर और ये हो जाता है साइन एच ए टी राइट, ये बचा हुआ स्टूडेंट हम लोग के पास ये इतना। अब इसको मैं ये ए को अंदर ले जाता हूं तो क्या मिलेगा उसको देखते हैं, तो इसको इधर इरेज कर देता हूं स्टूडेंट इधर में यहां देखते हैं स्टूडेंट इनवर्स लाप्लास वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ये अंदर जाएगा तो क्या मिलेगा स्टूडेंट माइनस हो जाएगा वन टी अपॉन में ए का स्क्वायर हो जाएगा एंड देन ए का क्यूब हो जाएगा राइट माइनस ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट अंदर जाकर के प्लस यहां से हो जाता है साइन एच ए टी अपॉन में ए का क्यूब हो जाएगा ठीक है स्टूडेंट, ये स्टेप से फंक्शन बन जाएगा। यदि हम चाहें तो क्या कर सकते हैं इसको भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, सॉल्यूशन करेंगे तो इनवर्स लाप्लास ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं ये इधर चला जाएगा मतलब हो जाएगा यहां से एटी राइट एटी हो जाएगा माइनस ऑफ एटी लिख सकते हैं ठीक है, ये ऐसे लिख दो आप लोग इसको एलसीएम निकाल करके ना एलसीएम निकालेंगे क्या हो जाएगा ए का क्यूब आ जाएगा, ये यहां पर स्क्वायर से जाकर के क्या मिल जाएगा माइनस एटी मिल जाएगा और ये तो हम लोग के पास साइन क्या हो जाएगा एच एटी ही रहेगा कोई दिक्कत नहीं, इसको कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा
एडवर्ड से लाप्लास अप हो जाएगा हम लोग के पास वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस अप ए का स्क्वायर एंड देन इसका लाप्लास। तो यहां से लिख सकते हैं स्टूडेंट साइन एच ए टी माइनस अप ए टी अपॉन में हो जाएगा ए का क्यूब। ये इस टाइप से इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन के बारे में, अगेन क्वेश्चन राइट, देखते हैं अगेन क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास। ये हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के बारे में, एडवर्स लाप्लास ऑफ वन अपॉन एस प्लस वन और यहां से मिल जाएगा एस स्क्वायर प्लस वन राइट। इसका इनवर्स क्या करते हैं हम लोग लाप्लास फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट। तो देखते हैं कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फर्स्ट फंक्शन मतलब एफ टी इक्वल टू इनवर्स लाप्लास ऑफ, ये मिल जाएगा स्टूडेंट एफ एस राइट। एफ एस के स्थान पर क्या लिख सकता हूं मैं, एफ टी इक्वल टू इनवर्स लाप्लास वन अपॉन एस प्लस वन राइट। ये अब इसका इनवर्स लाप्लास क्या आएगा स्टूडेंट, देखो आप लोग एफ टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहां पर एस माइनस ए होना चाहिए तो एस प्लस ए है तो यहां पर क्या होना चाहिए ई रेस टू द पावर माइनस ऑफ टी होगा, ई रेस टू द पावर माइनस टी होगा। आप लोग देख सकते हैं सेम सेम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहां से जी टी निकालेंगे और जी टी इक्वल टू हो जाएगा हम लोग के पास इनवर्स लाप्लास ऑफ, ये हो जाता है जी एस राइट। इसके स्थान पर क्या करेंगे स्टूडेंट हम लोग जी टी इक्वल टू इनवर्स लाप्लास यहां पुट करेंगे स्टूडेंट, किसको पुट करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन ये आ जाएगा, इसको पुट करेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसका इनवर्स लाप्लास निकालेंगे तो क्या आएगा, इसको इरेज कर देते हैं होगा स्टूडेंट राइट। अब देखो इसका लाप्लास निकालेंगे जी टी इक्वल टू इनवर्स लाप्लास निकालते हैं स्टूडेंट, तो देखो यहां से आप लोग को पता होगा यदि लाप्लास आप साइन साइन क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहां पर देखो प्लस आया है राइट, तो क्या हो जाएगा साइन ए टी इक्वल टू क्या मिलता है हम लोग को ए अपान में एस स्क्वायर प्लस ए और यहां से फॉल ऑल ए इक्वल टू क्या मिला है वन, तो हम लिख सकते हैं वन अपॉन राइट वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस अब क्या हो जाएगा वन, ये स्टेप का हो गया। तो हम सीधा सीधा इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, लिख सकते हैं हम लोग एक स्थान पर क्या है वन, एक स्थान पर क्या है वन, तो सीधा हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं सीधा सीधा हम चाहे तो इस फंक्शन को देखो ये फंक्शन को कन्वर्ट करेंगे इसमें लाप्लास को कन्वर्ट करेंगे ऐसे तो उसके बाद क्या हो जाएगा ए इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं वन लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट इसको हम लोग साइन टी लिख सकते हैं ना सीधा सीधा, क्या लिख सकते हैं साइन टी, क्या कर सकते हैं स्टूडेंट साइन टी कर सकते हैं। तो यहां से आ जाएगा हम लोग के पास ये हो जाएगा स्टूडेंट साइन टी, क्या मिल जाएगा साइन टी मिलेगा। अब देखना यह है स्टूडेंट यूज टू कन्वोल्यूशन थ्योरम थ्योरम, अब कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करेंगे स्टूडेंट तो क्या मिलेगा, देखो यहां से मिल जाएगा इनवर्स लाप्लास एफ टी एंड देन जी टी इक्वल टू राइट, यहां लिखते हैं स्टूडेंट जीरो टू टी स्टूडेंट, जस्ट थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं यहां ये लिख देते हैं जी यू एंड देन क्या लिखते हैं स्टूडेंट हम लोग एफ टी माइनस यू और डी यू ऐसे कर देते हैं ताकि आसानी हो प्रूफ करने में। तो एल इनवर्स और इसके स्थान पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट वन अपॉन, जस्ट उल्टा लिख देते हैं इसको तो क्या मिलेगा, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं ना कोई दिक्कत नहीं, तो एस स्क्वायर प्लस वन और एंड देन एस प्लस वन कोई दिक्कत नहीं इक्वल टू जीरो टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास टी हो जाएगा, इसके स्थान पर जी टी मतलब यहां से क्या हो जाएगा साइन यू राइट एंड देन इसके स्थान पर क्या लिखेंगे
ई रेस टू द पावर माइनस टी है तो टी माइनस क्या हो जाएगा हम लोग के पास यू एंड देन डी यू हो जाएगा राइट right? ये हम लोग के पास फंक्शन ये मिला है। अब स्टूडेंट इसको सॉल्यूशन करें तो क्या हो जाएगा एल इनवर्स अपान में एस स्क्वायर प्लस वन एंड देन एस प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग इसको सॉल्यूशन कर देते हैं जीरो टू टी तो ये हो जाता है हम लोग के पास साइन यू। अब देखो स्टूडेंट इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं इसको e रेस टू द पावर माइनस ऑफ टी एंड देन e रेस टू द पावर माइनस ऑफ यू और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ऑफ यू और ये हो जाएगा डी यू। स्टूडेंट देखो हमें यू का फंक्शन मिला है तो टी को कॉमन निकाल देते हैं तो यू का फंक्शन मिला है तो टी को कॉमन निकालेंगे तो एस स्क्वायर प्लस वन एंड देन एस प्लस वन राइट इक्वल टू क्या मिल जाएगा e रेस टू द पावर माइनस ऑफ टी को कॉमन निकाल देते हैं और यहां से इंटीग्रेशन अब मिल जाएगा हमें जीरो टू टी एंड देन e रेस टू द पावर यू और साइन क्या मिल जाएगा यू और ये हो जाता है डी यू। ठीक है स्टूडेंट यहां पर a इक्वल टू क्या मिला था फॉर यहाँ ये मिला स्टूडेंट a इक्वल टू वन। स्टूडेंट आप पढ़े होंगे i इक्वल टू ट्वेल्थ क्लास में e रेस टू द पावर ए एक्स एंड देन हो जाता है साइन बी एक्स और डी एक्स होता है इसका फॉर्मूला क्या बनता है देखो यहां से e रेस टू द पावर ए एक्स अपान में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड देन मिल जाता है स्टूडेंट ए राइट ए आता है और उसके बाद क्या मिल जाता है स्टूडेंट हम लोग के पास साइन बी एक्स माइनस बी आता है कॉस मिल जाता है बी एक्स ये फॉर्मूला मिलता है हमें तो सीधा इसी फॉर्मूला का क्या कर देंगे यूज कर देंगे इसका इंटीग्रेशन और एंड देन लिमिट लगा देंगे स्टूडेंट तब की स्थिति में क्या हो जाएगा इनवर्स लाप्लास ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन एंड देन एस प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा ई रेस टू द पावर माइनस ऑफ टी यहां से हो जाएगा स्टूडेंट जीरो टू टी। ठीक है अब इसका यूज करेंगे सेम फार्मूला का तो ई रेस टू द पावर क्या मिल जाएगा यू और वन का स्क्वायर वन का स्क्वायर वन है और यहां पर भी क्या है वन है वन स्क्वायर एंड देन क्या मिल जाएगा वन और साइन बी एक्स मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट साइन बी एक्स और बी के स्थान पर वन है तो मतलब क्या हो जाएगा साइन एक्स होता है और यहाँ पर यू है तो साइन क्या हो जाएगा यू एक्स था तो एक्स मिलता है यहाँ पर साइन यू है तो क्या मिल जाएगा हम लोग के पास साइन यू मिलेगा राइट ये हो जाएगा। अब उसके बाद ये देखना है माइनस अगेन वन आएगा और कॉस बी एक्स मतलब कॉस यू मिलेगा बी एक्स मतलब यू मिल जाएगा ये स्टेप का हो जाएगा। अब देखते हैं स्टूडेंट इसको ओपन करते हैं तो ये तो मन ही रहेगा कोई दिक्कत नहीं है दैट एल इनवर्स इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन एंड देन एस प्लस वन ये हो जाएगा इक्वल टू देखो स्टूडेंट अपर लिमिट दिस इज द लोअर लिमिट ई रेस टू द पावर माइनस ऑफ टी। अब देखते हैं स्टूडेंट इसको लिमिट ओपन करते हैं तो ई रेस टू द पावर क्या मिलेगा टी और ये हो जाएगा हम लोग के पास टू और इसको देखते हैं स्टूडेंट तो ये हो जाएगा हम लोग के पास साइन टी माइनस ऑफ कॉस टी राइट माइनस इधर से देखते हैं स्टूडेंट ई रेस टू द पावर जीरो अपान में हो जाएगा टू और यहां से हो जाएगा स्टूडेंट साइन जीरो और माइनस ऑफ हो जाता है कॉस जीरो राइट ये स्टेप का हो जाएगा। स्टूडेंट हम इसको सिंपलीफाई करें तो एल इनवर्स वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन और एस प्लस वन और इक्वल टू हो जाएगा ई रेस टू द पावर माइनस टी। अब इसको देखो ई रेस टू द पावर टी अपॉन में टू और ये हो जाएगा स्टूडेंट साइन टी माइनस ऑफ कॉस टी। अब देखो यहां पर तो जीरो हो जाता है ये तो वन हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट तो एक बार चलो लिखते हैं वन अपॉन टू एंड देन साइन क्या हो जाता है जीरो का जीरो और कॉस जीरो का वन हो जाता है ये इसको सॉल्यूशन करें स्टूडेंट तो ये सीधा सीधा प्लस वन अपॉन टू हो जाएगा। देखो यहां पर एम्प्लाइज दैट एल इनवर्स यहां से मिल जाएगा वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन एस प्लस वन इक्वल टू देखो स्टूडेंट ये हो जाएगा ई रेस टू द पावर माइनस ऑफ टी और ब्रेकेट में मिल जाएगा हमें सेम ही मिलेगा ये क्या हो जाएगा प्लस वन अपॉन टू हो जाएगा ई रेस टू द पावर टी अपॉन में टू और ये हो जाएगा साइन टी माइनस ऑफ कॉस टी और ये अगेन हम लोग के पास हो जाएगा स्टूडेंट ये माइनस करके माइनस माइनस प्लस वन अपॉन टू ये स्टेप के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखते हैं स्टूडेंट यहां से एल इनवर्स वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन और एस प्लस वन राइट इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस टी ओपन कर देते हैं स्टूडेंट ई रेस टू द पावर माइनस टी और ई रेस टू द पावर टी और उसके बाद साइन टी कॉस टी राइट यहां से हो जाएगा साइन टी माइनस ऑफ कॉस टी राइट प्लस अब यहां चला जाएगा ई रेस टू द पावर माइनस टी अपॉन में टू हो जाएगा। स्टूडेंट हम देखें इनवर्स लाप्लास ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन और एस प्लस वन राइट इक्वल टू हो जाएगा ये आपस में हम लोग के पास यहां पर टू है स्टूडेंट राइट ये टू छूट गया था अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा तो वन अपॉन क्या हो जाएगा टू हो जाएगा और ये मिल जाएगा साइन टी माइनस ऑफ कॉस टी और प्लस ई रेस टू द पावर माइनस टी अपॉन में
टू हो जाएगा, वन अपॉन टू कॉमन निकाल लो, एल इनवर्स से क्या हो जाएगा वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन और एस प्लस वन और इक्वल टू क्या हो जाएगा वन अपॉन टू कॉमन ले लो, क्या दिक्कत है, बड़ा ब्रैकेट बना दो। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइन टी माइनस अप कॉस टी प्लस अप ई रेज़ टू द पावर माइनस टी, ये स्टेप से आंसर से हो जाएगा हम लोग के पास। तो ये यूज करके हम लोग कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करके आसानी से प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शन फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।